प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास फिफ्थ की हिंदी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हम भारत में भरत, ये एक व्याख्या है, इस व्याख्या को करेंगे। बच्चों ये कविता है, इसमें व्याख्या आएगी, ठीक है? तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो बच्चों ये जो कविता है इसकी व्याख्या हमने सामने लिखी हुई है, इसके कठिन शब्दार्थ भी लिखे हुए हैं। संतान, संतान का अर्थ होता है संतति यानी औलाद। बढ़कर का अर्थ होता है ज्यादा या अधिक। गर्व, अभिमान या गौरव। पुरखों होते बच्चों पूर्वज, जो हमारे बड़े बुजुर्ग है। सौगात का अर्थ होता है उपहार और भेंट। तो ये कठिन शब्दार्थ हैं जो पहरा हमने यहाँ पर अभी रीड किया है। अब बच्चों इसका सरलार्थ है, कवि कहता है कि हम भारत के लोग राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान बलशाली हैं। यहाँ पर लिखा ना हम भारत के भरत, तो भरत यहाँ पर कौन है? यहाँ पर भरत है राजा दुष्यंत के पुत्र, जो कि बहुत ताकतवर थे। हम भारत की तरह शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। संसार में कोई भी देश हमारे देश के समान या इससे बढ़कर नहीं है। भारत भूमि पर जन्म लेना बड़े गौरव की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण अपने पूर्वजों से सौगात अर्थात विरासत में भेंट की तरह मिले हैं। तो चित्र में देखिए बच्चों, भरत शेरों के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जो कि हम नहीं कर सकते। तो ये बोल रहे हैं कि हम भी इनके जैसे बहादुर बने और अपने भारत भूमि के लिए कुछ कर दिखाएं। तो बच्चों नेक्स्ट पैरा है, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं या चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो यहाँ बच्चों ज्वालाएं कहा गया है शूरवीरों को, योद्धाओं को, बहादुरों को। चिंगारियों का अर्थ है यहाँ बच्चों छोटे छोटे बालक, जैसे कि आप छोटे छोटे बच्चे हो तो आप क्या चिंगारियां हो। कांटे का अर्थ होता है कष्ट या दुख। फूल, सुख आनंद कहा गया यहाँ पे। फुलवारियां का अर्थ है संस्कृति यानी पालन करता। महकते का अर्थ है बच्चों यहाँ पर सुख शांति से काम करते करते, और दहकते का अर्थ है वीरता का प्रदर्शन करते यानी तपते। तो बच्चों इन पंक्तियों का सरलार्थ है, कवि कहता है कि भारत के छोटे छोटे बालक बड़े वीर हैं। आप क्या हो? छोटे छोटे बच्चे, तो आप क्या बड़े बहादुर हो, बड़े वीर हो। छोटी छोटी चिंगारियां भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है। उसी प्रकार यहाँ के छोटे बच्चे भी काफी बलशाली है। यहाँ बगीचे में फूल से पहले कांटे आते हैं। हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। हम कभी अंगारे बनकर दहकते हैं, तो कभी फूलों के समान खिलकर महकते हैं। हम अपने देश की खातिर शान से जीते और मरते हैं। संसार का कोई देश भारत से बढ़कर नहीं है। तो इसके कठिन शब्दार्थ बच्चों हमने साथ के साथ लिखे हुए हैं, और इन पंक्तियों का आशय भी यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, कूद समर में आए आगे, आगे आए जब भी हम ललकार ने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं हिंद दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो बच्चों इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, समर, समर का अर्थ होता है युद्ध, और ललकारने का अर्थ होता है युद्ध करने, अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य, सदियों बहुत वर्षों यानी 100 वर्षों से भी अधिक, व्रत का अर्थ होता है निश्चय संकल्प, और 12 मास होता है पूरे वर्ष, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो बच्चों इन पंक्तियों का आशय है, कवि कहता है कि जब भी हम ललकारते हुए युद्ध भूमि में शत्रु से लड़ने के लिए आए हैं, तब हमारे पराक्रम को देखकर सारे संसार के लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। हम सदियों से इतिहास के पन्नों में अपना नाम करते रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए हम 12 मास 12 महीने त्याग और बलिदान का व्रत संकल्प रखते हैं। हम भारत भूमि की खानों से सदा हीरे जैसे अमूल्य रत्न अर्थात जो महापुरुष हुए हैं, हमारे श्रेष्ठ महापुरुष ही निकले हैं।
इस मिट्टी में सदा महान देश भक्तों ने जन्म दिया है। सारे संसार में कोई भी देश भारत से बढ़कर नहीं है। यह धरती जो माँ है अपनी अपनी जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। तो पूछो इन पंक्तियों का आशय है, देखो कठिन शब्दार्थ है, चौकस पहरेदारी का अर्थ होता है सावधानी के साथ रखवाली करना। चौकस पहरेदारी का दो अर्थ होते हैं, सावधानी के साथ रखवाली करना। सौगंध का अर्थ होता है बच्चों शपथ, जो हम कसम खाते हैं, ठीक है। परिचय का अर्थ होता है जानना, और श्रम का अर्थ होता है मेहनत। कवि कहता है यह भारत भूमि हमारी जन्मभूमि अर्थात माता है, हम भारत माता कहते हैं ना, तो ये भारत भूमि के हमारी माँ है जो कि हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। इसकी सावधानी और साहस से रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी है, सब बच्चों की जिम्मेवारी है। हम खूब परिश्रम करने का संकल्प लें। हमारे सामने देश की रक्षा और प्रगति करने की कठिन परीक्षा है। हमने जिस भारत माँ का दूध पिया है उसकी सुगंध खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार है। हम इस उम्र में ही परिश्रम और बलिदान करना जान ले, अर्थात देश सेवा का परिचय प्राप्त करें। अभी से ही छोटी उम्र में ही भारत माँ के लिए कुछ करने का हम कुछ सोच ले, कुछ जान ले। इस संसार में कोई भी देश है भारत से बढ़कर नहीं है, भारत से श्रेष्ठ नहीं है। तो बच्चों ये आपकी व्याख्या थी। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और बुक वर्क भी साथ के साथ करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। आज हमने इसकी व्याख्या की है, तो आप अपनी नोटबुक में इस व्याख्या को बोल बोल कर लिखिए ताकि आपको व्याख्या याद हो जाए। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह से हम आपके सभी सब्जेक्ट के लिए वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।